अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सफदर अली शाह का सलाम। अच्छा, तमाम डिजीज कोटे कैंडिडेट्स को बहुत बहुत मुबारक हो। मेडिकल का रिजल्ट आ चुका है और यह हैदराबाद रेंज का है, जो हैदराबाद में जिन जिन्होंने मेडिकल दिया था, हैदराबाद रेंजेस के जो डिस्ट्रिक्ट्स थे उसकी मेडिकल लिस्ट आ चुकी है, जिसमें हेपेटाइटिस बी, सी, HIV और यूरिया और ब्लड सैंपल, उसका रिजल्ट आ चुका है और वो आप चेक कर लें। अच्छा, वीडियो पूरी देखें और वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें सफदरजंग चैनल को। और मेरी आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अच्छा, ये अब मैं थोड़ा सा लिस्ट के मुताबिक बताता हूँ, जिसमें ASI था, WHC था और PC, LPC, DPC और क्लास 4 वाले जो भी डिस्ट्रिक्ट के थे मेडिकल हुआ है, जो हैदराबाद रेंज के अंदर, उसका मेडिकल लिस्ट आ चुकी है मेरे पास, जो पास हो चुके हैं। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, वो आप खुद चेक करिएगा। अच्छा, 13/3/2024 का है, इसमें लिखा है रीजनल पुलिस हॉस्पिटल हैदराबाद स्क्रीनिंग रिजल्ट जामशोरो। ये जामशोरो वालों के हैं, जिसमें है मोहम्मद वसीम है, साजिद हुसैन है, साजिद अली है, जायद हुसैन है, साजिद अली है, सदात है, फराज अली है, मजहर हुसैन है, साजिद अली है और सदात है, रिजवान अली है, मोहम्मद हसान है और दिलावर खान है। 13 कैंडिडेट्स जामशोरों के हैं और इसमें हैदराबाद के कैंडिडेट्स हैं। हैदराबाद के मैं थोड़ा सा और चेक करता हूँ, हैदराबाद के कितने कैंडिडेट्स हैं। हैदराबाद के 38 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें से इनका हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट से 38 हैं। इसमें SCV टेस्ट है, हेपेटाइटिस बी सी टेस्ट है, HIV टेस्ट है, जिसमें सबों के नेगेटिव आए, वो सब पास हुए हैं। यह हैदराबाद रेंज, वो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के 38 हैं और हैदराबाद के 38 हैं। इसके बाद आ जाते हैं मटियारी के हैं 19 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें से CNIC लिखा है, उनको वालिद का नाम लिखा हुआ है और उनके टेस्ट की लिखा हुआ है, उनका डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, वो चेक कर लीजिएगा। अब हम आगे आ जाते हैं दादू, दादू के हैं अपना 61 कैंडिडेट्स हैं शायद, ये चेक करें। हाँ, 61 कैंडिडेट्स हैं दादू के, ये थोड़ा सा जूम कर ले और जिसको स्क्रीनशॉट चाहिए तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है इस पे से। अच्छा, ये दादू में अमजद अली दादू नेगेटिव, हेपेटाइटिस बी उनका पॉजिटिव आया है और फाद अली का पॉजिटिव आया है, ये भी थोड़ा चेक कर लीजिएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं ठट्टा, ठट्टा पे चेक कर लें आप, फारूक अहमद नदीम, फिर टंडोलियार है, टंडोलियार ठट्टा के 3 कैंडिडेट्स हैं और टंडोलियार के 6 कैंडिडेट्स हैं, टंडो मोहम्मद खान के 2 कैंडिडेट्स हैं, सजावल का 1 कैंडिडेट्स है। हम आगे जाते हैं जो फाइनल लिस्ट है, बदीन, बदीन के 5 कैंडिडेट्स हैं, इनके भी रिजल्ट क्लियर आए हैं। अच्छा, वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें डिजीज कोटे कैंडिडेट्स को। और कराची का जैसे भी मेरे पास अपडेट आती है मेडिकल की, तो इंशाल्लाह मैं चैनल पर डालता हूँ। और इंशाल्लाह जॉब जैसे दूसरी आती है तो उसकी भी वीडियो बनाता हूँ, मोटरवे और IB और अदर डिपार्टमेंट्स की बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। इंशाल्लाह दुआ करें मेरी तबीयत ठीक हो जाए, फिर इंशाल्लाह इस चैनल पर मुख्तलिफ जॉब्स की अपडेट भी आती रहेंगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।